हेलो दोस्तों, आई एम अंकित सिंह। आपने सही देखा कि आज जो रहस्यमयी बात है ना, स्टिल और इट में क्या डिफरेंस है, इसको कैसे यूज करेंगे, कहां कहां पर यूज करेंगे, किस तरीके से करते हैं, अफर्मेटिव में क्या अलग तरीका, निगेटिव में, जो भी जितने भी कंसेप्ट है ना, आज पूरा का पूरा क्लियर होने वाला है। जो रहस्यमयी घर में बैठ करके छुपे हुए थे ना, आज मैंने इनको निकाल दिया। बड़ा ही कन्फ्यूजन कर रहे थे ना, आपको भी बड़ा कन्फ्यूजन कर रहे थे कि सर किधर को स्टिल यूज करें, किधर को एट यूज करें। बात कन्फ्यूजन थी कि नहीं थी? था। आपको भी कन्फ्यूजन था, झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि यदि आप झूठ बोल रहे होंगे, मैं तो सुन नहीं रहा हूँ, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा था, आपको पता था कि नहीं पता था जो रहस्यमयी बातें हैं स्टील और एट के बीच में। मैं चाहता हूँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल में बेल आइकन उसको ज़रूर हिट करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टील का हिंदी में मीनिंग क्या होते हैं। स्टील का मतलब होता है फिर भी, अभी भी, अब तक, अभी तक, ये सब हमारे क्या होते हैं, स्टिल के हिंदी मीनिंग होते हैं। अब इसको यूज कैसे करते हैं? इसका यूज जो होता है पॉजिटिव में अलग तरीके से होता है, अर्थात अफर्मेटिव में अलग तरीका होता है, निगेटिव में अलग तरीका होता है, इंट्रोगेटिव में अलग तरीके होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में स्टिल को कैसे यूज करते हैं। इट मीन्स हाउ टू यूज स्टिल इन अफर्मेटिव सेंटेंस। तो याद रखिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में जब भी स्टिल आएगा तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ही आता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद इसका हम कैसे ऑर्डर लिख सकते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, क्योंकि किसी भी सेंटेंस का पहला क्या होता है, सब्जेक्ट ही होता है। सब्जेक्ट लिखेंगे, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद यदि आएगा तो स्टिल आएगा, आफ्टर दैट यदि मेन वर्ब रहता है तो हम लोग मेन वर्ब लिख सकते हैं, उसके बाद से जो अदर वर्ड रहेंगे हम लोग अदर वर्ड लिख देंगे। अब देखिए, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद स्टिल आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हमेशा स्टिल आएगा। देखिए, जैसे एग्जाम्पल में वह अभी तक खाना खा रहा है, तो वह अभी तक, तो सब्जेक्ट क्या है, वह, इट मीन्स ही, आफ्टर दैट खा रहा है, इट मीन्स ही इज, आफ्टर दैट स्टील, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, इज एम आर, तो ही इज स्टील इटिंग, ही इज स्टील इटिंग द फूड। हमारा क्या है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, कहीं पर भी ना नुकुर की बात नहीं की कि खाना खा रहा है, अभी तक बड़ा लंबा है, पेट्टू है, खाना था, भूखा है तो खा रहा होगा अभी तक, तो वह अभी तक खाना खा रहा है, इट मीन्स ही इज स्टिल ईटिंग द फूड, रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है ना, तो इज एम आर के बाद हमने क्या लगा दिया, स्टिल लगा दिया। अब देखो, तुम मुझसे अभी तक नाराज हो, तुम मुझसे अभी तक नाराज हो, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यू, सब्जेक्ट क्या है, यू है ना। और देखो, यू, अब यहाँ पर भी तो इज एम आर ही लगेगा, इट मीन्स यू आर, ओके, यू आर अब आ गया ना, इसके बाद से हम क्या लगाएंगे, स्टिल, यू आर स्टिल एंग्री, यू आर स्टिल एंग्री टू मी, क्या मैं उससे अभी भी प्यार करता हूँ। अच्छा, बड़ा लंबा प्यार है तुम्हारा यार, मैं उससे अभी भी प्यार करता हूँ, सब्जेक्ट लिखा आई। अब देखो, ये तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो गई ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में यार कहीं तो हेल्पिंग वर्ब आता नहीं है, हेल्पिंग वर्ब तो आता नहीं, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस में, निगेटिव से तो स्टार्ट भी होता लेकिन इधर को आता ही नहीं है। अब क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, तुरंत सब्जेक्ट के बाद ही यूज करना पड़ेगा यार, इट मीन्स आई स्टिल लव, आई स्टिल लव, मैं फिर भी प्यार करता हूँ या अभी भी प्यार करता हूँ उससे, इट मीन्स विद हर, ओके, विद हर अर्थात उसके साथ बोल सकते हैं, या कभी कभी टू भी आ सकता है, विद हर, मैं उससे अभी भी प्यार करता हूं। तो इस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस में देखा कि क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा तो उसके बाद ही हमेशा स्टिल आएगा, यदि नहीं है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस और पास्ट इंडिफिनिट के पॉजिटिव में तो आता है कि जहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होते तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद यूज कर देंगे। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस में स्टिल का यूज कैसे करेंगे, क्योंकि यही तो डिफरेंस है ना। तो निगेटिव सेंटेंस में स्टिल हमेशा सेंटेंस के पहले ही आ जाता है, स्टिल हमेशा क्या आ जाता है, सेंटेंस के पहले ही आ जाता है, इट मीन्स हमको लिखना पड़ेगा स्टिल, आफ्टर दैट हमारा जो भी सेंटेंस रहेगा उसको हम लोग नोट कर देंगे सिंपली। अब देखो, उसे अभी तक किताब पढ़ने नहीं आता, अभी तक आया, इसको तुरंत हम लोग स्टिल पहले ही लिख देंगे, स्टिल लिख दिए, अब बाकी सेंटेंस को हम लोग बना देंगे, अर्थात उसे किताब पढ़ने नहीं आता, स्टिल ही डोंट, स्टिल ही डोंट नो बुक रीडिंग, स्टिल ही डोंट नो बुक रीडिंग, उसे अभी तक किताब पढ़ने नहीं आता है। तो निगेटिव सेंटेंस में मेरे को स्टिल सेंटेंस के पहले ही यूज कर देना है। अब देखो, तुम अभी भी खाना नहीं खा रहे हो, या तुम अभी भी खाना नहीं खा रहे हो, या तुम अब तक खाना नहीं खा रहे हो, इस तरीके से। अब देखो, अभी भी
आ गया इट मीन्स सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे स्टील सेंटेंस के पहले ही लिख दिए और तुम खाना नहीं कर स्टील यू आर नॉट ईटिंग स्टील यू आर नॉट ईटिंग द फूड ओके इस तरीके से बात हमने देखा कि नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है स्टील हमेशा जो भी सेंटेंस रहेगा यदि उसमें अभी तक या अब तक बात आती तो स्टील को हम लोग पहले ही यूज कर देंगे ओके तो अब हम लोग बात करेंगे इंटरगेटिव सेंटेंस में कैसे हम लोग स्टील का यूज करेंगे तो ध्यान दीजिएगा इंटरगेटिव सेंटेंस में हमारा जो कुछ भी रहे चाहे इंटरगेटिव यस या नो टाइप रहे चाहे डब्ल्यू एच टाइप का रहे किसी भी प्रकार का रहता है हम लोग स्टील हमेशा सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं क्योंकि इंटरगेटिव सेंटेंस का जो आर्डर होता है सबसे पहले जो होता है हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है राइट आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद हमारा सब्जेक्ट लिखा जाता है और इसी सब्जेक्ट के बाद हम लोग तुरंत यूज कर देंगे स्टील और हमारा जो कुछ भी वर्ब एक्शन चाहे जो कुछ भी रहेगा बाकी कहानी सेम है ओके और यहाँ पर डब्ल्यू एच भी आता है तो हम लोग ऐड कर देते हैं जैसे क्या वह अब भी यहाँ रहता है क्या वह अब भी यहाँ रहता है इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना अब देखो क्या वह यस या नो टाइप का है तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे स्टील का यूज करेंगे स्टील कहाँ पर यूज करना है हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं यूज करना इसमें सब्जेक्ट के बाद यूज करना हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं यूज करना इसमें सब्जेक्ट के बाद यूज करना सबसे पहले हम लोग पहचानते हैं कि कौन सा सेंटेंस है क्या वह अब भी यहां रहता है यह हमारा प्रेजेंट इंडिफिटेंस का है अर्थात डू डज लगेगा क्या वह अब भी यहां रहता है तो सबसे पहले हम लिखना पड़ेगा डज ही स्टील लिव हियर क्या वह अब भी तब क्या हो गया हमारा किसके बाद आया सब्जेक्ट के बाद देखो आया कि नहीं आया अब देखो क्या वह अब भी तुमसे बात करता है बात करता है क्या तुमसे क्या वह अब भी तुमसे बात करता है अर्थात ये भी हमारा क्या हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है इट मीन्स डज ही स्टील सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के तुरंत बाद स्टील यूज करना डज ही स्टील टॉक टू यू क्या वह अभी तुमसे बात करता है देखा स्टील का यूज कितना शानदार है अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या लिखा सब्जेक्ट लिखा हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे स्टील का यूज आ रहा है बल्कि नेगेटिव सेंटेंस में पूरा सेंटेंस के पहले ही और हमारे इंटरगेटिव सेंटेंस में क्या हो रहे हैं सब्जेक्ट के बाद पहले आते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब डब्ल्यू एच वर्ड ये सब चीज़ें रूल सेम है लेकिन सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमारा क्या यूज होता है इंटरगेटिव में हमारा स्टील आता है यदि उस सेंटेंस में अब भी अभी तक यदि इस प्रकार के बातें आती है तो अब हम लोग बात करेंगे कि एट का यूज कैसे करते हैं इधर सुन यदि मेरे चैनल को लाइक करेगा ना तो मैं तेरे को एट का यूज बता देगा किसी दूसरे को मत बताना हाँ इधर सुन ओ स्टील और इट में कोई डिफरेंस नहीं होता है जिधर चाहो स्टील यूज कर दो जिधर चाहे इट यूज कर दो जो चाहे वो यूज करना किसी दूसरे को मत बताना अच्छा तुम केवल कानाफूसी कर रहे हो हम सबको बता दे रहे हैं तो स्टील और इट जिधर चाहो उधर लगाओ दोनों चाहो कैसे यूज करेंगे लेकिन एट का क्या कंडीशन है थोड़ा सा हम लोग सेंटेंस में देख लेते हैं लेकिन ध्यान दीजिए कि एट का यूज हम लोग कहाँ पर करेंगे एट का यूज हम लोग सेंटेंस के शुरू में भी कर सकते हैं सेंटेंस के लास्ट में भी कर सकते हैं वैसे आपकी मर्जी स्टील यूज करो या एट यूज करो कौन सा अच्छा पड़ता है ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है लेकिन एट क्या करता है किसी सेंटेंस के शुरू में भी या किसी सेंटेंस के लास्ट में भी यूज करता है यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है वह अब भी तुमसे प्यार करता है अब भी आया ना अब देखो हम लोग इसका यूज कैसे करेंगे सबसे पहले लिख देते इट अंडरस्टूड अब सब्जेक्ट लिखेंगे एट ही लव्स टू यू अच्छा ये तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा नहीं आप यहां से हटा करके लास्ट में भी लिख सकते यदि आप चाहेंगे तो शुरू और लास्ट दोनों जगह जो मर्जी आपको पड़ेगा उधर को यूज कर दो तुम उस स्कूल में अब भी पढ़ाते हो इट मीन्स यू टीच इन दैट स्कूल यू टीच इन दैट स्कूल एट चाहे अफर्मेटिव हो चाहे निगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो जो भी हो एट का यूज करना तो चाहे शुरू में यूज कर दो चाहे लास्ट में यूज कर दो दोनों में से कहीं जगह भी आप यूज कर सकते हैं तो दोस्तों आपने देखा कि स्टील का यूज कहाँ पर करते हैं और एट का यूज कैसे करते हैं वो तो आपकी मर्जी है कि कौन सा मेथड अच्छा लगा स्टील अच्छा लगेगा कि एट यूज क्या करेंगे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है लेकिन अब जो कन्फ्यूजन था स्टील और एट में कैसे यूज करेंगे क्या चीज़ें थी सब आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर करो और उसके साथ साथ अपने सभी दोस्तों को खुल के शेयर कर दो कि मैं ये नहीं चाहता हाँ कि बस आपका कन्फ्यूजन दूर हो तो बस आप सीमित रहे आपके दोस्त सभी दोस्तों के पास शेयर करिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू मैं मिलूंगा फिर से नेक्स्ट वीडियो में